अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, क्या हाल है। वेलकम एक बार फिर एमपी कुकिंग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ज़बरदस्त मुमताज़ चिकन, जो कि बहुत झटपट और ईजी से बन जाती है। तो वीडियो हम लोगों ने फुल वॉच करना है, और जो मेरी वीडियो में न्यू है वो कर लें चैनल को सब्सक्राइब और कर लें बेल आइकन पर क्लिक, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलते हैं अब अपनी चिकन मुमताज़ बनाने के लिए, जो कि बहुत डिमांडेड है। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2 दरमियानी प्याज चॉप करके। साथ में जो है हम डालेंगे 3 से 4 अदद क्लोव्स हरी मिर्चों के। चलिए, हमने यहाँ पे पतली वाली हरी मिर्च ली है। अगर आपके पास मोटी वाली हरी मिर्च है वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, वो 5 अदद कर लीजिएगा। साथ में मैंने डाले हैं 10 से 12 अदद बादाम, और यहाँ जाएगा हाफ कप या हाफ गिलास जो है पानी। और अच्छे से जो है इन चीज़ों तीनों चीज़ों को जो है हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताऊंगी। तो अच्छे से जो हम यहाँ पे पहले बॉईल होने देंगे, ताकि हमारे प्याज का जो है कलर चेंज हो जाए। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है, बहुत इजी सी बनती है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते। तो साथ साथ आप लोग जो है मेरे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं, सेम ही आईडी है। उसके बाद हमने क्या करना है, तो यहाँ पर मैंने ली है 700 ग्राम से ज़्यादा चिकन। यहाँ पे जो है इसको छोटी मोटी करवा लीजिएगा। साथ में जो है इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून के बराबर डालेंगे काली मिर्च, और हसब ज़रूरत डालेंगे सॉल्ट, और साथ में डालेंगे भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून के बराबर। उसके बाद जो है इसमें मैंने डाला है 1 कप दही, तकरीबन ये 400 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ जो इसमें हम ऐड करेंगे, और अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है हम इसको मैरिनेशन करके रखेंगे। उसके बाद हमारी प्याज जो बॉईल हो गई थी 10 से 15 मिनट के बाद, जो है हमने इसे फ्लेम ऑफ कर देना है। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बादाम को जो है आपने क्या करना है, इसको छिलके उतार लेना है, और उसके बाद जो है आपने इसके साथ पीस लेना है। उसके साथ जो है पानी जिसका रह जाएगा वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और साथ में जो है हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, एक हमने पॉट लिया है खुला, उसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल। साथ में जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर सफ़ेद ज़ीरा साबुत। अच्छे से जो है हम ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर आप डाल दीजिएगा। उसके साथ जो है हम खड़ा गरम मसाला डालेंगे सारा। 2 अदद हमने बेजल लीव्स डाली है। साथ में डालेंगे काली मिर्चें साबुत। उसके बाद हम डालेंगे लौंग 3 अदद, 3 से 4 अदद। उसके साथ जाएगा इसमें इलायची के साबुत इलायची, ये भी हमने 3 अदद डाली है। उसके साथ जाएगा इसमें दालचीनी के टुकड़े 2 अदद। उसके साथ हमने डाली एक बड़ी इलायची, और इन सब गरम मसालों को अच्छे से हम कर कर आएंगे, यानी कि जब तक खुशबू नहीं आती इसकी, बहुत ज़बरदस्त सी फ्रेगनेस आती है। अच्छे से इसको पकने दीजिएगा। उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे मैंने डाला 2 टेबल स्पून। उसके साथ जो है इसकी मज़ीद हम भुनाई करेंगे, ताकि अच्छा सा जो अरूमा इसका बने, बहुत ज़बरदस्त इसका अरूमा बनता है। उसके बाद जो हमने मेरीनेट करके रखी थी चिकन को, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके साथ जो है हमने क्या करना है, इसको हम 3 आंच पे पकाएंगे, क्योंकि दही और चिकन का जो है पानी दोनों दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को 3 आंच पे जो है पकने देना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छे से जो है हमारे चिकन जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट ना होए, क्योंकि अगर चिकन सॉफ्ट हो जाएगी तो मज़ीद जो है हम इसको नहीं पका सकेंगे। तो उससे हमने 3 आंच पर पकाना है, ताकि जल्दी से हमारी चिकन जो है सॉफ्ट ना हो सके, हम उसे आराम से पका सकें। पानी ड्राई होने के बाद आ गया था, तो हमने क्या करना है, जो हमने प्याज ग्रीन चिली और बादाम का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे अब, और अच्छे से जो है हम इसकी भी बुनाई कर लेंगे।
से 10 मिनट बाद जो है हमारी मुमताज़ चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल पकने पर आ गई है, ऑयल भी साइडों पे आ गया है। तो हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना हरा धनिया और हरी मिर्च गार्लिक चॉप की हुई। मज़ीद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकने देंगे ताकि अच्छे से ऑयल साइडों पर आए। लीड हम इसमें लगा देंगे, उसके बाद जो है मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार से मुमताज़ चिकन जो है हमारी बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे जो है फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग इसको तहान रोटी और राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो अब दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।